नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 5 जून 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट तो सरकार बनाएंगे या नहीं फैसला गठबंधन तय करेगा, ऐसा राहुल गांधी की तरफ से बयान निकल करके आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव नतीजों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से जो रूबरू हुए उसमें इनके द्वारा कहा गया। इसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठेंगे। सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हम गठबंधन का सम्मान करते हैं और घटक दलों से चर्चा किए बगैर कोई फैसला भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बुधवार को इंडिया गठबंधन की एक बैठक होगी, उसमें सभी से बातचीत के बाद कोई भी फैसला जो है वो लिया जाएगा। साथ ही इस दौरान पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने नतीजों को लोकतंत्र और जनता की जीत करार देते हुए कहा कि जनता ने किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, ऐसे में यह प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक और राजनीतिक हार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा और लोगों ने इसमें समर्थन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह भी कहा कि हम देखेंगे कि किस तरह बहुमत बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी सारी रणनीति बता देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी चौकन्ने हो जाएंगे। संविधान बचाने की लड़ाई है उसको लेकर बताया गया, अपमानजनक भाषा का प्रयोग ठीक नहीं। वायनाड या अमेठी पर बोले अभी फैसला नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों की तारीफ यहाँ पर भी जो है वो की गई है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कमाल किया है, राज्य के लोगों ने देश की राजनीति और संविधान पर खतरे को समझा, उसकी रक्षा की। ये वीडियो मैंने आपको कल भेजा भी था टेलीग्राम चैनल पर। उत्तर प्रदेश के नतीजे गठबंधन की कई के लिए नई दिशा की तरह है। जहां जहां भाजपा जीती वहां भी जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में कम हो गया है, ऐसा शरद पवार के द्वारा कहा गया। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने विश्वसनीयता खो दी है। मैं जनादेश के लिए लोगों को धन्यवाद जो है वो देती हूँ। अब थोड़ा सा नतीजों की भी बात कर लेते हैं। तो फाइनल नतीजे क्या निकल करके आए, भाजपा जो है टोटल 240 सीटें जो है वो पाई है। एनडीए जो है जो कि भाजपा का गठबंधन है वो 290 सीटें तक जो है वो पहुंच पाई है। अब कांग्रेस की बात करें तो 99 सीटें, और जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन जिसमें आपका सपा है कांग्रेस है सब, उसकी टोटल सीटें 236 हैं। परिणाम रात 12:15 तक है, इसमें रुझान शामिल नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट आपके यहाँ पर नंबर है। अब यहाँ पर मोदी तीसरी बार तीसरी पारी के लिए तैयार, इस तरीके से न्यूज है, जिसमें एनडीए के इस कार्यकाल में देश कई बड़े और उत्तम फैसले को नया अध्याय लिखेगा, ऐसा कल के बयान में उनके द्वारा कहा गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ देखेंगे तो ये लोकतंत्र और संविधान में भरोसे की जीत है। हर भारतीय को हमारी चुनाव प्रणाली और उसकी विश्वसनीयता पर गर्व है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में जो है वो आई है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। योगी आदित्यनाथ जी जो है इनके द्वारा क्या कहा गया कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत का जनादेश प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, नेतृत्व और निर्णय पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है, ऐसा इन्होंने कहा। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी यहाँ पर दी है। इस तरफ देखेंगे तो सरकार बनाएंगे या नहीं, ये तो ऊपर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। किस राज्य में कितनी सीटें हैं भाजपा कांग्रेस अन्य, इसमें दिल्ली, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर करके लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के फाइनल नतीजों की तरफ, जो कि अब फाइनल हो चुके हैं। अब इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की टोटल 37 सीटों पर आगे रहा है सबसे ज्यादा, बीजेपी 33 सीटों पर, टोटल 80 सीटों के लिए होता है। उसके अलावा INS यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों पर, उसके अलावा RLD 2 यानी कि राष्ट्रीय लोक दल, और अस्पृक्र जो आजाद समाजवादी पार्टी कांशीराम अस्पृक्र है उसमें 1, और अदल यानी अपना दल सोनेलाल अदल इस पर जो है वो 1। तो इस प्रकार से ये पूरा समीकरण है 80 सीटों का, जिसमें आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का पूरा यहाँ पर वर्चस्व निकल करके आया है। बिना किसी गठबंधन के ही सबसे आगे सपा जो है वो रहा है। ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जो मुद्दा यहाँ पर लगातार उठ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, उसको लेकर के सभी लगातार प्रयास कर भी रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कोई भी 1% का रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब बहुत बड़ा असर डालेंगी।
आगे देखेंगे तो यूपी में सपा का पीडीए सुपर हिट, समाजवादी पार्टी 37, भाजपा 33, कांग्रेस 6, रालोद 2, एसपी 1 और अपना दल 1। मुस्लिम के साथ दलित ओबीसी मतदाता के साथ से बदली इंडिया की तस्वीर। यहाँ पर लखनऊ से जो है वो न्यूज है जिसमें मैनपुरी से यहाँ पर बताया गया कि डिंपल यादव जो है उनको इतने वोट मिले, मोहनलालगंज से आरके चौधरी को, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को। अखिलेश सहित परिवार के पांचों सदस्य विजयी रहे। अखिलेश यादव जो है उनके परिवार के सभी पांचों सदस्य चुनाव जीत गए। विजयी होने वाले प्रमुख नेता में इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख कन्नौज से अखिलेश यादव के अलावा मैनपुरी से सपा की डिंपल, आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र, ये जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं उन्हीं की बात की गई। बदायूं से सपा के आदित्य यादव, फिरोजाबाद जो है उनसे अक्षय यादव की जीत जो है वो हासिल हुई है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो रहा अयोध्या का। राम जीते पर रामनगरी में भाजपा हार गई, जो कि कल मैंने आपको टेलीग्राम पर एक एक अपडेट दी थी। तो यहाँ पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल तो जीत गए, परंतु रामनगरी मसलन अयोध्या मंडल के अंतर्गत आने वाली लोकसभा सीट अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अंबेडकर नगर में भाजपा जो है वो हार गई है। इस बार यूपी से 5 मुस्लिम सांसद लोकसभा जो है वो पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की शानदार जीत पर कहा कि ये इंडिया गठबंधन और पीडीए एकता की जीत है। उन्होंने प्रणाम मुद्रा में अपनी फोटो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम, उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, ये नई आस आई है। इस तरीके से अब बात करते हैं संशोधित कैलेंडर को लेकर। तो ये आपका फाइनल संशोधित कैलेंडर जारी हो गया है, जहां पर 3 जून 2024 ऊपर डेट देख पाएंगे, जिसमें सभी उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं की तिथि जो है वो संशोधित तिथि का कैलेंडर जो है वो जारी किया गया, जिसमें अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 शॉर्ट हैंड टाइपिंग 28 से 2024 शुक्रवार से लगभग 25 दिन चलेगा। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 30 से 2024 रविवार को आरक्षित। इसके अलावा स्टाफ नर्स एलोपैथी 28/7/2024, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा 18/8/2024, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक 25/8/2024, स्टाफ नर्स यूनानी और आयुर्वेदिक 8/9/2024, सहायक नगर नियोजक 15/9, चिकित्सा यूनानी 6/10/2024, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा 20/10, सम्मिलित राज्य प्रवर 27/10, आरक्षित वैज्ञानिक अधिक, ये आरक्षित आरक्षित भी लिखा है, इन डेटों को आरक्षित भी रखा गया, मतलब आगे पीछे भी तिथियों को अगर किया जाता है तो इन तिथियों पर भी परीक्षा कराई जा सकती है। वैज्ञानिक अधिकारी 17/11/2024, इसी प्रकार दो तिथियां आरक्षित भी हैं। समीक्षा अधिकारी जिसको लेकर सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, इसकी परीक्षा 22/12/2024 दिन रविवार के दिन जो है इसको निश्चित किया गया है। अब थोड़ा सा इसी को लेकर के न्यूज भी है कि पेपर लीक के सदमे से उभरा आयोग, अब संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी। आरओ समेत सभी परीक्षाओं की बात की गई है। आगे भी देखेंगे तो पीसीएस प्री 27 अक्टूबर, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर जो है वह उसको होगी। यही था इस ओवरऑल अपडेट में, बाकी कैलेंडर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो प्रश्नों का मैंने पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।